उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और एक महान वैज्ञानिक बने। देखिए, राष्ट्रपति बनना, प्रधानमंत्री बनना, ये अलग चीज है, लेकिन एक महान वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने देश की रक्षा के लिए जो कुछ कर दिया, वो हमारे तमाम रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में लगे वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है और प्रेरणा का विषय है। और इसलिए हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि हमारे प्रयास कैसे हैं, हम क्या पूर्ण मनोयोग से इस काम को कर पा रहे हैं, या जो हम करना चाहते हैं उसके लिए हम पूरे मनोयोग से लगे हैं कि नहीं लगे हैं। मेरा आशय है हमारे एफर्ट्स 100% होना चाहिए। लड़कियों को पढ़ाने का प्रचलन नहीं था, गरीब घर में थी, लेकिन उसने तय किया कि मुझे आईएएस बनना है। एक साल तक घर से बाहर नहीं निकली और जब एग्जाम में बैठी तो आईएएस बनकर निकल गई पहले अटेम्प्ट में। ये हमारे हमारे प्रदेश में है। मैं एक ऐसे आईएएस ऑफिसर को भी जानता हूं अपने प्रदेश में, है तो बाहर के रहने वाले लेकिन यहां पर लेबर का काम करते थे, पत्थर फोड़ते थे, पत्थर तोड़ने का काम करते थे, आज आईएएस है, यही उत्तराखंड में है। और इसलिए पहली बात तो ये कि हमारे मन में कहीं ये नहीं आना चाहिए कि मैं ये नहीं हो सकता, मैं कर सकता हूं, ये विश्वास हमारे मन में होना चाहिए, तो निश्चित रूप से रास्ता अपने आप आपके लिए बनता चला जाता है। ये विश्वास अपने मन में चाहिए। मैं एक दो बातें और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री होने के नाते आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि हमने इस दिशा में क्या काम किए हैं। हमारे यहाँ जो माध्यमिक शिक्षा है, देहरादून है, नैनीताल है, अल्मोड़ा में है, अनेक जगहों पर बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ आज भी हम कमी महसूस करते हैं। एक तो मैं जो हमारे वैज्ञानिक मेरे सम्मुख बैठे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। दून यूनिवर्सिटी बनाई गई यहाँ पर, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे और मत सब लोगों के भिन्न भिन्न थे, लेकिन मैंने सार्वजनिक कार्यक्रम था, सारे विधायक उसमें उपस्थित थे, मेरा मत भिन्न था। मेरा मत भिन्न ये था कि हमको एक और कॉलेज नहीं खोलना है, हमको एक और यूनिवर्सिटी नहीं खोलना चाहिए, बल्कि हमको एक ऐसी यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए कि जो हमारी कमियों को दूर कर सके, हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जो जाते हैं उनको उसकी आवश्यकता ना हो, उनको वो शिक्षा, वो एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा वो उत्तराखंड में मिले। मेरा काफी विरोध भी हुआ, इलेक्शन में भी लोगों ने मेरा विरोध किया, खुलकर विरोध किया कि हमारे कॉलेज एफिलिएशन नहीं किया गया, ये नहीं किया गया, लेकिन मेरा कोई बात नहीं, मुझे, मैं 150 वोट से हार भी गया उस समय चुनाव, लेकिन खुलकर लोग, बड़े प्रबुद्ध लोग तथा कथित रूप से कहना चाहूंगा उनके लिए कि वो मेरे विरोध में सामने आए, लेकिन मेरी कल्पना बड़ी स्पष्ट थी। मेरे मन में एक कल्पना और है, पिछले 4-5-6 दिन से मैं विचार कर रहा हूं उसके बारे में। मैं चाहूंगा कि कोई साइंस कॉलेज उत्तराखंड में, कोई साइंस कॉलेज हमको उत्तराखंड में हम खोलना चाहते हैं। मैं शायद आज मैं कुछ लोगों के साथ शाम को बुलाने का प्रयास भी करूंगा बैठने का, लेकिन आप लोगों में कोई सजेशन हो तो प्रोफेसर पंत को आप इस बारे में बता सकते हैं। तो हम एक यहाँ पर एक साइंस कॉलेज खोलना चाहते हैं, आवासीय हो, रेजिडेंशियल हो, ये मैं चाहता हूँ। श्रीदेव यूनिवर्सिटी यहाँ पर है जो पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी थी, उस बारे में मेरा मत बिल्कुल भिन्न था कि हमको केवल उसको हमको पीजी एंड पीएचडी रिसर्च के लिए खोलना चाहिए। ग्रेजुएशन करने के लिए हमारे बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत है, अगर हम देखेंगे देश में, अगर एवरेज हम देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड नंबर एक पर होगा। आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, देश में अगर संख्यात्मक दृष्टि से हम देखेंगे तो नंबर एक पर हम होंगे, लेकिन गुणात्मक दृष्टि हम देखते अगर तो हम, मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री के नाते हमसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इतनी हमने खोल दिए हैं जगह जगह पर,
कि जैसे प्राइमरी स्कूल खोल दिए जाते हैं कि भाई बच्चा नदी पार नहीं कर सकता, बच्चा नाला पार नहीं कर सकता, बच्चा 2 किलोमीटर ज्यादा पैदल नहीं जा सकता, 3 किलोमीटर ज्यादा पैदल नहीं जा सकता, लेकिन आखिर जब तक गुणवत्ता नहीं होगी तो आज के युग में खाली सर्टिफिकेट हमने लटका दिए गर्दन गले में तो उससे काम नहीं चलेगा। प्रतियोगी हुए, मैं सिंगापुर गया था, पूरे सिंगापुर में एक आईटीआई है, सिंगल एक आईटीआई है, 29,000 बच्चे उसमें पढ़ते हैं, और वहां जाकर आंखें खुलती हैं, वहां पर लकड़ी का पहिया से लेकर और मिग तक खड़े हैं, वहां पर है ऐसा प्रशिक्षण। हम आज 1947 से पहले की जीप पर हम अपने बच्चों को मोटर मैकेनिक बनाना चाहते हैं, कैसे टिक पाएंगे जब G5 चल पड़ी है, 5th जनरेशन की गाड़ियां चल रही है, हम उनको 19वीं सदी की गाड़ी पर हम उसको सिखाएंगे, तो उससे नहीं हो सकता। आप तमाम कोई भी चीज हो, प्लम्बर का ही काम हो, मैं कहता हूं अगर हम देखें तो हम कहां पर खड़े हैं। और इसलिए मैं बच्चों को बताना चाहता हूं और अपने वैज्ञानिकों को बताना चाहता हूं कि हमारे राज्य में कुछ कमियां थी, जैसे हमारे यहाँ सीपेट की कमी थी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, हम सबसे पहले उसको लाए, वो हमारे यहाँ खुल चुका है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं थी, हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर लाए हैं। ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर ये हम देहरादून में हम लाए हैं, ये ऐसी चीजें जो बहुत कम राज्यों में उपलब्ध है। अभी हम एक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का बना रहे हैं, उसके लिए सारी बातें हो गई है, 50 से 75 करोड़ रुपया उस पर लगेगा, भूमि दान में मिल गई है, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये एक ऐसा उच्चतम श्रेणी का हम एक स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट यहाँ पर राज्य में बनाने जा रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा बनाने में, अभी उसको शुरू हो जाना चाहिए था लेकिन कोविड की वजह से हम उसको उसका शिलान्यास नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी उसको उसकी शुरुआत करेंगे। एक स्कूल हमने अपने बच्चों के लिए, जो निर्धन बच्चे हैं जिनके पास पैसे का कोई साधन नहीं है लेकिन बच्चे में टैलेंट है, हम वो स्कूल हमारा तैयार, कोविड के कारण वो भी दिक्कत थी लेकिन वो हमारा तैयार हो जाएगा 1-2 महीने में, और ये सोचा था कि इस बार हम इन दिनों में क्लासेज वहां पर शुरू कर देंगे, लेकिन कोविड की वजह से सारी एग्जाम हम उसमें कंडक्ट नहीं कर पाए। लेकिन एक ऐसा स्कूल जो 6ठी से लेकर 12वीं तक होगा, उस स्कूल में बच्चा वो बच्चा आएगा जिसमें टैलेंट होगा, जिस बच्चे में टैलेंट होगा स्टेट लेवल पर हम एग्जाम कराएंगे, 10-15 सीटें हम ये भी चाहेंगे कि उसमें 10-15% देश से बच्चे आए,